हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वन डे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो अभी सीटेट 2019 का पेपर हुआ है, यानी कि 8 दिसंबर 2019 जो सीटेट फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, हम उसका आंसर की लाए हुए हैं। इसमें आपको 150 प्रश्नों का आंसर की दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका हर एक पार्ट का भी अलग अलग से वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो वीडियो होगा थोड़ा लंबा होगा, और अगर आप UVS या हिंदी या मैथ अलग अलग वीडियो चाहते हैं उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। साथ साथ मैं दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर एक दो इधर उधर हो जाते हैं तो क्षमा करने कष्ट करें, गाली या भद्दी चीजें लिखने कष्ट मत करें। जिस प्रश्न में का उत्तर मैं गलत दे रहा हूं उसमें आप जाके कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तब भी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो ये दोस्तों मैं बता दूं कि आपको जो पेपर दिया जा रहा है ये आपको फर्स्ट शिफ्ट का है, 8 दिसंबर 2019 का CTET का। ठीक है दोस्तों, और सेकेंड शिफ्ट का भी हम आपको थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए, और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो पहला प्रश्न आप सभी के लिए दिया जा रहा है वह दिया जा रहा है CDP से, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से दिया जा रहा है। इसमें जो आपका पहला प्रश्न है, मैं आपको प्रश्न पढ़ के बताता हूँ, साथ साथ उत्तर बताऊंगा। इसमें पहला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो कौन सी सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है, तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का आपका 2 सही हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था से। दूसरा नंबर प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास के एक अवस्था है। तो कौन से दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा, 2 सही है, तो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न तीन नंबर दिया गया आप सभी के लिए, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा जेंडर पक्षपात का। अगला प्रश्न उसे देखते हैं, वह है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को क्रम कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो कौन सी पद्धति प्रभावशाली दोस्तों, तो 4 का 1 जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। ठीक है, अगला प्रश्न उसे देखते हैं, वह है पाँच नंबर है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय प्रस्तुतियों के प्रभाव को महत्व दिया। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 5 का, ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेव वाइगोट्स्की, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न है, वह है जिस जिंगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की, ये देखिए जो प्रश्न देख लें आप, इसमें पूछा है कि इसमें जो दिया गया प्रश्न में कि इस प्रकार की वार्ता को वाइगोट्स्की किस तरह की संबोधित करता है, तो किस में करता है दोस्तों, तो 6 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, आपका संगीत व्यक्तिगत वार्ता के लिए। अगला प्रश्न वह है 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ देखें कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो 7 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पाढ़। ठीक है, पाढ़ यानी ढांचा। अगला प्रश्न हुआ है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषता विशेषित करता है। तो 8 का जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 8 का नंबर 2 सही है, संरक्षण कक्षा समावेश। ठीक है, अगला प्रश्न हुआ है 9 नंबर, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो 9 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, स्कीमा। ठीक है, अगला प्रश्न हुआ है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। दोस्तों तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करने का भी कष्ट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते चले। अगला प्रश्न 11 नंबर, वह निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये देखें बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न उसे देखते हैं, वह है 12 नंबर, 12 नंबर प्रश्न है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो 12 का जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, सृजनात्मक विचारक। अगला प्रश्न वह है, इसमें दिया गया है,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह के से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की अवस्थित स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 13 का आपको उत्तर हो जाएगा 4 नंबर सही है। अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। अगला प्रश्न है 14 नंबर हुआ है, ये आपका हो जाएगा एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, अगला जो इसमें देखिए उत्तर जो है 14 का ऑप्शन हो जाएगा 3, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अगला प्रश्न है 15 नंबर, 15 नंबर प्रश्न है पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। तो 15 का जो उत्तर हो जाएगा आपका 3, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, अगला प्रश्न उसे देखें 16 नंबर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो 16 जो उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा सके करके अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना। ठीक है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा 4। अगला प्रश्न 17 नंबर वह दोस्तों संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, ये 17 का जो उत्तर हो जाएगा वो 17 का 4 सही है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। 18 नंबर प्रश्न वह है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजनाभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो 18 जो आपको उत्तर हो जाएगा 18 का 4 सही है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों की प्रस्तुति करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, ये आपका उत्तर सही है 18 का। 19 नंबर है देखें प्रश्न वह छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की जो व्यवस्था है वह दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही है, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। ठीक है, प्रमुखता देना ये होता है इसमें। 20 का जो है वह दोस्तों संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं, तो क्या है दोस्तों, तो इसमें जो आपका ऑप्शन 2 इसका है वो सही है, सन्निहित है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न उसे देखें वह है 21 नंबर संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 21 में जो है ये कौन सा सही है दोस्तों, तो 21 में आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है, अधिगम संकरी नियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया, यही है आपका उत्तर नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न वह है 22 नंबर वह है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, 22 नंबर जो है वह है दोस्तों कि इसमें उत्तर हो जाएगा अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, अगला प्रश्न वह है 23 नंबर बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 23 का 24 का देखें 24 का दोस्तों वह है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। तो कौन सी प्रथाएं जो सार्थक अधिगम पर बढ़ावा देती है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो हो जाएगा 2 और 3 सही है। तो ये आपका इसमें सहयोगत्म अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये आपको दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अगला प्रश्न 25 नंबर है, 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो 25 का जो उत्तर हो जाएगा आपका 25 का 4 सही है। ठीक है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर के उपलब्ध करके। ठीक है, अगला प्रश्न उसे देखें वहाँ 26 नंबर 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो 26 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही है, बच्चों का सृजनाभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ये आपका उत्तर नंबर 4 सही है। अब 27 में बढ़ते हैं, 27 में प्रश्न है निम्नलिखित अवधि में से किसके में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो किसमें होता है दोस्तों, तो 27 का 1 सही है, सहवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। 28 नंबर प्रश्न वह है निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। 28 का जो उत्तर हो जाएगा 28 का 2 सही है, विकास परिवर्त होता है। ठीक है, परिवर्त होता है, आपका उत्तर 2 सही है 28 का। अब 29 देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए वैयक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो कौन सा व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है, तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है 29 का। 30 में देखें
30 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है, तो कौन सा दोस्तों, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा विद्यालय एवं मीडिया, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए इसमें आपका जो खंड आता है वो आपका मैथ का आता है, तो चलिए दोस्तों हम आपको मैथ का पोर्शन बताते हैं। मैथ का पोर्शन सीटेट 2019 8 दिसंबर का पेपर है, इसमें मैं आपको जो उत्तर बता रहा हूँ मैथ का, वह इसमें हम आप प्रश्न पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसमें आपको उत्तर हम जल्दी जल्दी बताना कोशिश करेंगे जिससे वीडियो लंबी ना खींचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं मैथ का। तो मैथ का जो प्रश्न है आप सबके लिए है वह है कि तीन ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12, 24 हैं, और इसका जो देख लें प्रश्न, अब मैं इसका उत्तर बता देता हूं। 31 का जो आपको उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों, इसमें चार नंबर सही है, देखें इसका उत्तर हो जाएगा A 12, B 10 और C 5। ठीक है, अब 32 नंबर प्रश्न देखें, वह दिया गया है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर भाग में विभाजित किया गया है और प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसमें जो 32 का हो जाएगा दोस्तों, तो 32 में एक नंबर आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अगर आपने किया है तो आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न उसे देख लीजिए, 33 नंबर प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें चार कथन दिए गए, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा ये आपका पहला वाला कथन सही नहीं है, जिसमें दिया गया है कि सभी आबाद संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न उसको हम देख लेते हैं, वह दिया जा रहा है आप सभी के लिए दोस्तों, वो 34 नंबर है कि वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक समस्याओं को विभाज्य होगी, तो कौन सी होगी दोस्तों, तो 34 का आपका हो जाएगा चार नंबर सही है, 25, 20। अगला प्रश्न वह है 35 नंबर, आयशा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और ₹1.60 दिए, जो प्रश्न है 35 का, तो 35 जब उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्रमशः 18 और 7 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, वह देखिए दोस्तों 36 नंबर दिया है कि इसमें दिया है और इसमें मान पूछा गया है, तो इसमें मान ज्ञात करने के लिए दिया गया 17.5 × 3 − 21 + 7 − 7 − 3 × 12.5, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 36 का, 36 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 12 इसमें उत्तर आएगा, अगर आपने किया तो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न 37 नंबर देखें, वह दिया गया है इसमें एक बाग के वृक्षों के नियम वृक्षों की संख्या है इसमें, और इसमें पूछा है 37 का प्रश्न देख लें आप, इसका जो 37 का जो उत्तर होगा आपका दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 सही है, बी आपका 10 आएगा उत्तर। ठीक है, ठीक है, इसमें यूकेलिप्टस की वृक्षों के कितने हैं ये पूछा गया, तो इसमें आपका उत्तर 10 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 4:30 बजे चलती है, तो इसका जो कुल समय यात्रा का समय पूछा है, तो 38 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा 38 में आपका 4 सही है, 40 घंटे 15 मिनट, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न उसे देखें, वह है 39 नंबर, उसमें दिया गया निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो 39 नंबर का है जिसमें व्यवस्थित किया गया है, 39 का 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 85 mm और 80 dm, ये आपका उत्तर नंबर 4 सही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न पे देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न दिया जाएगा एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है, और इसमें पूछा गया है कि इसकी लंबाई क्या होगी, और इसकी जो आयत की चौड़ाई भी 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा आपका 40 का, 40 का उत्तर हो जाएगा आपका 2, 60 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, आपका ये उत्तर सही है। 41 नंबर प्रश्न है, वह कक्षा सेकंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया है, तो इसमें बताया है कि अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे, जो इसमें 44 जगह इन्होंने 404 लिख दिया है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 41 का आपका 2 सही है, उन्हें मूर्त प्रदान पदार्थ से विनियम नियम समझाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न वह 42 नंबर, इसमें आपका उत्तर सही होगा 42 का, गणित की प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का प्रमुख प्रयोजन है, तो 42 का जो आपका उत्तर सही होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें ए और सी दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है। ठीक, ए में जो दिया गया है वह है उसमें ए में है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, और दूसरा है विषम को सरल और रुचिकर बनाना, ये आपका ए और सी सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आपका 42 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न उसे देख लेते हैं, वह है 43 नंबर, 83 दिया गया NCF यानी कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय के आज प्राथमिक विद्यालय की गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो कौन सा है दोस्तों, 43 का आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर। ठीक है, अनुपात ये आपके उच्च कक्षाओं का होता है। अगला प्रश्न उसे देखते हैं, इसमें दिया गया सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से, इसने जो प्रश्न दिया गया 44 का, तो 44 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखें तो पैमाना ग्राफ पे धागा टाइटल ये दिया गया है, तो इसमें आपका जो है दोस्तों 44 नंबर का
44 नंबर में जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका दो सही है, बी और डी, ठीक है, बी और डी आपका हो जाएगा, यानी कि ग्राफ पेपर और टाइल, ठीक है। अगला प्रश्न उसे देखते हैं, 45 नंबर, इसमें दिया निम्न में से गणित से में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है, तो कौन सा जो दिया गया इसमें उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है दोस्तों, तो 45 का आपका उत्तर नंबर 4 सही है। ये 4 नंबर क्या है, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। अगला प्रश्न उसे देखते हैं, 46 नंबर, वह यह समझाने के लिए 1/4, 1/3 से छोटा है, इसमें जो है योजना सबसे अधिक कौन से प्रयुक्त आएगी, तो ये इसमें जो आपको 46 का हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, डाइनिस ब्लॉक्स का प्रयोग, ठीक है, ये आपका उत्तर नंबर 3 सही है 46 का। 47 नंबर देखें, वह प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाए जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है, तो 47 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो 3 नंबर, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। अब चलते हैं 48 नंबर पे, 48 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जाता है जा सकता, तो 48 का जो आपका उत्तर हो जाएगा 3 सही होगा, ठीक है। इसमें आपका प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार के परीक्षा का उपयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। अगला प्रश्न उसे देख लेते हैं, वह 49 नंबर, और निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण से की जा रही है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा दोस्तों उत्तर ये 49 का हो जाएगा आपका, 4 नंबर सही है, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ कमेंट्स में बताएं आपको कैसे वीडियो लग रहे हैं, अगर क्वेश्चन आपके कोई आंसर गलत है तो आप हमें जरूर बताएं दोस्तों। अगला प्रश्न 50 नंबर, 50 नंबर प्रश्न दिया जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है, तो कौन सा दोस्तों, तो 50 का जो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें 50 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है 50 का। अब अगला है 51 नंबर दोस्तों, यह गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है दोस्तों 51 में, तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो 51 में आपका 3 सही है दोस्तों, विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा। और 50 का जो होगा, 50 का उत्तर होगा बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, ठीक है दोस्तों, ये आपका उत्तर सही होगा, 50 का 1 होगा, ठीक है। 49 का मैंने आपको बता ही दिया था कि 4 होगा, मार्गदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू। अब हम चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हम 52 क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए, तो 52 का जो हो जाएगा इसमें क्या पहचाना, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, तुलनात्मक जमा, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। अब 53 नंबर देखते हैं, 53 नंबर है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं दोस्तों, तो 53 में आपका 3 नंबर सही नहीं है, इसमें इनमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। अगला प्रश्न 54 नंबर वह देखते हैं, वह दिया गया है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए, तो 54 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो 54 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये है प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्दा का विकास करना तथा ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये आपका उत्तर होगा। अब 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वह है निम्नलिखित में से क्या गणितीय तरगणा का सूचक है, 55 में आपका जो उत्तर हो जाएगा 2, ये गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगता देने की क्षमता है, ठीक है। अगला प्रश्न उसे देखते हैं, 55 व 56 नंबर, 56 नंबर प्रश्न देखें, इसमें सुपर बाजार सब्जियों की मूल्य दिया गया है, आप यहाँ देख लें, इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखें सारा प्रश्न दिया गया है कि संजय ने 1/2 किलो टमाटर ये दिया है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न दिखा देता हूँ, तो 56 का आपको उत्तर अगर आपने लगाया होगा 2 नंबर, तो आपका सही है, 2 नंबर यानी कि 87.50 आएगा इसमें, ठीक है, रुपये वापस किए मिलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न उसे देखते हैं, 57 नंबर, इसमें दिया है मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ दहाई के स्थान पर, ये जो प्रश्न है आप सभी के लिए इसमें दिया गया है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 57 नंबर का दिया हो जाएगा उत्तर, तो आपको 57 आपका उत्तर आएगा, ठीक है। इसमें अंकों का योग 3 और 4 गुणज दहाई के स्थान पर अंक और दहाई इकाई के स्थान पर अंक क्रमित ये दिया गया है। अब चलते हैं 58 नंबर, 58 प्रश्न दोस्तों, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है, तो निम्न रूप से चित्रित की गई है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो हो जाएगा दोस्तों, दिखाता हूँ ऑप्शन का, ये ऑप्शन 150 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 150 आएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 59 नंबर, 59 नंबर है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
तृतीय स्थान पर होगी। तो कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी दोस्तों, 59 का हो जाएगा आपका, 59 में आपका जो उत्तर होगा वह होगा 3.7, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अब 60 में देखते हैं, 60 में है आपका प्रश्न, वह एक 5 अंकों की संख्या है दहाई के स्थान का 8, ये वाला जो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों 60 नंबर प्रश्न आप देख लें, इसका जो आपका उत्तर बन रहा है वह बन रहा है 60,482, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 60,482। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ जिसमें आपको दिया जा रहा है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, तो ईवीएस में आपका जो पहला प्रश्न है वह देखते हैं, पहला प्रश्न है कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत गुजरात में, ये जो दिया गया प्रश्न आप देख लें, पढ़ूंगा नहीं, काफ़ी लंबा प्रश्न है, तो इसमें जो आपका 61 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वह आपका 61 का उत्तर इसमें आ रहा है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 53 किलोमीटर, अगर आपने 53 किलोमीटर किया है तो आपका ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, इसमें ट्रेन की औसत चाल पूछा है यात्रा के ट्रेन में, तो ये आपका 53 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसमें 62 नंबर निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, तो कौन वेट लिफ्टर है जो ख्याति प्राप्त है, तो इसमें कर्णम महेश्वरी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, तो कौन सा एक समूह जड़ों का है, तो 63 का आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, आप हमें एक बार कमेंट्स भी करते चलें अगर आपको आता है, तो 63 का आपका 4 नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही, गाजर चुकंदर मूली। अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न दोस्तों, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो 64 नंबर में आपको पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला प्रश्न 65 नंबर देखते हैं, 65 नंबर प्रश्न है, निपेथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय के नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, तो किस पे है, 65 का जो आपका उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालने की, ये आपका ये जो है इसमें आपका ये गलत है, केवल 4 का डी केवल इसमें गलत है इसमें, तो आपका इसमें 3 सही है, तो ABC तीनों सही है, तो ABC में यह पौधा ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और भारत में के मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, निपेंथिस, और इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है, यह केवल छोटे कीड़ों मकोड़ों को फंसाकर उसका शिकार कर सकता है, ये आपका 65 में तीनों सही है और डी ही नहीं सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 66 नंबर, वह दिया गया भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी से के समुद्र तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के जो राज्य है कौन सा है, तो इसमें 66 का जो उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों, तो 66 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न उसे देख लेते हैं, 67 का, उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार संकोना पेड़ की छाल से किया जा ता है, वह है कौन सा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही, मलेरिया। ठीक है, ये मलेरिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही। ठीक है, अगला प्रश्न है उसे देखते हैं दोस्तों, वह दिया गया 68 नंबर प्रश्न। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न में काफ़ी बड़ा प्रश्न देखें यहाँ पर। ठीक है, ये इसमें पढ़ेंगे नहीं, आप देखें यहाँ पर किसी डॉक्टर का घर यक्ष पर स्थित है, यही वाला प्रश्न है, तो इसमें आपका उत्तर बता देता हूँ, 68 का जो आपका उत्तर हो जाएगा 2, उत्तर पश्चिम आएगा, अगर आपने उत्तर पश्चिम किया तो आपका सही है। अब अगला देखें 69 नंबर है कि चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, तो चिराव नाच जो करते हैं वह मिजोरम के लोग करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, चिराव मिजोरम में होता है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं जो इसमें विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपका केवल उत्तर सही होगा 4, आंध्र प्रदेश केरल और कर्नाटक, ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। अगला प्रश्न 71 नंबर हुआ है, ENCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो कौन सा नहीं होना चाहिए, 71 का ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों, पर्यावरण, ये पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों के सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है 71 का। 72 नंबर प्रश्न है, वह है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं यानी कि 3rd से 5th के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है, तो क्या करता है दोस्तों, तो 72 का आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन विज्ञान की अवधारणाओं को मुद्दों को। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है 72 का। और 73 देखें दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर आपको सेट अलग है इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के भी बता दे रहा हूँ, अगर आपका सेट अलग है तो क्वेश्चन से आप मिलाते चलें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, तो 73 का आपका जो उत्तर हो जाएगा 2, इसमें देखें
इसमें देखें जो जो दिया गया है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक से दो की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ये आपका 73 का दो सही है। अब 74 में देखें, 74 नंबर जो प्रश्न है उसमें दिया गया दोस्तों को बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है वह इंगित करता है। तो क्या इंगित करता है दोस्तों, तो 74 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है 74 का 3। अब 75 नंबर पाते हैं, वह दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। तो 75 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, जानवर, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 76 नंबर, इसमें दिया है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो देखिए कौन सी वांछनीय गतिविधि है दोस्तों, तो 76 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 सही है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है 76 का। 77 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वह है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञात की रचना को महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कौन से ज्ञान की रचना महत्वपूर्ण, तो इसमें आपका उत्तर बता देता हूँ दोस्तों, 77 का आपका उत्तर हो जाएगा 1, बच्चों, इसमें देखें ये बच्चों की सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक, यानी कि आपको तीनों सही है ये, तो ए बी सी आपका सही होगा। ये पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक की दी गई व्याख्या यह आपका गलत होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ए बी सी। ठीक है, अगला प्रश्न 78 नंबर, वह है दोस्तों कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, तो कहाँ से जोड़ा जा सकता है दोस्तों, तो 78 का आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, इसमें ए बी सी तीनों होगा। ठीक है दोस्तों, ए बी सी तीनों हो जाएगा। ए बी सी क्या है, इसमें वृत्तांत कहानियाँ शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, ये आपके तीनों सही है। ये आपका डी गलत है, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। ठीक है, अगला प्रश्न है वह देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम आपको बता देते हैं कौन सा होगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगला प्रश्न 179 नंबर है, यह पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उसका चित्र बनाने के प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो 79 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही है। ठीक है, ए बी सी इसमें भी आपको ए बी सी सही है। ए बी सी में क्या देख ले, ए बी सी में आपको बच्चों को सृजनात्मक का विकास करना, ठीक है, और दूसरा बच्चों का अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, और बच्चों को सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये आपका तीनों सही है। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं, वह दिया जा रहा है पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह की में करके सीखने पर बल दिया जाता है। तो 80 का आपका जो उत्तर हो जाएगा, 80 नंबर का आपका जो उत्तर है दोस्तों, तो 80 का 3 नंबर सही है। ठीक है, 80 का आपका 3 नंबर, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करना करता है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 80 का सी, ये 80 का सी, बी सी, ठीक है, बी सी दोनों होगा, यानी कि आपका समूह में सीखना पाठी द्वारा सीखने की प्रोत्साहित करना, ये आपको दोनों सही है। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगला प्रश्न उसे देखते हैं, वह है 81 नंबर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। तो सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या है दोस्तों, 81 जो आपका उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, यानी कि परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, ये आपके एक सही हो जाएगा, और कक्षा आपका इसमें अलग हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए बी सी तीनों सही है। 82 नंबर है प्रश्न, निम्नलिखित जो सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन के अनुसरण होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों, तो 84 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्ञात से अज्ञात। ठीक है दोस्तों, आपका ज्ञात से अज्ञात हो गया, ऑप्शन नंबर 4 सही है 82 का। 83 में जो आपका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न है 83 का, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो कौन सा दोस्तों नहीं है, तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है 84 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो किस में करना चाहिए दोस्तों, 84 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 85 नंबर, वह दिया गया है कि एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है। ये आपका प्रश्न काफ़ी बड़ा है, पढ़ूंगा नहीं, आप इसे देख लें। प्रश्न 85 नंबर, 85 नंबर का जो उत्तर होगा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 85 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 में क्या है कि बच्चों के
को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करना। यह आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है 86 नंबर, देखें दोस्तों 86 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए कि इसमें दिया है कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और मछली। ये जो देखिए कछुआ, घड़ियाल, बत्तख और मछली जो पानी में रहते हैं और कौवा ऊपर रहता है यानी कि हवा में ज़मीन पे, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, कौवा। 86 का 2 हो जाएगा कौवा। 87 का हो जाएगा आपको दोस्तों प्रश्न जो दिया है, कालम दिया गया है हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा, तो इसको सही मिलान करना है, ठीक है, 1 से 2 में। तो इसका जो आपको सही मिलान दिया गया है दोस्तों 87 का, ठीक है, 87 का आपको मैं मिलान करके बता देता हूँ कि इसमें जो 2 नंबर सही होगा, तो 2 नंबर का 1 के आपके 5वें से मिलान कर दीजिए, ठीक है, और बी का आपका 1 नंबर से मिलान करिए और सी का 2 से और डी का 3 से आपका मिलान कर लीजिए। यानी कि अगर आप ये हांगकांग से डिवाइड करेंगे तो हांगकांग आपका आएगा पकाया हुआ सांप खा लेने के लिए, या पकाया हुआ सांप खाते हैं। केरल जो है आपका बी में है, तो बी में आपका 1 हो जाएगा किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका। और कश्मीर का जो हो जाएगा दोस्तों, कश्मीर में आपका सरसों के तेल से बनी मछली खाई जाती है। और गोवा में जो आपको खाया जाता है वो आपको नारियल के तेल से बनी समुद्र की मछली, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न उसे देख लेते हैं, 88 नंबर है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो कौन सी करती है दोस्तों, तो ये आपका 88 का जो आपका उत्तर हो जाएगा मैना, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है, ये झटके से अपना गर्दन आगे पीछे करती है। अब 89 नंबर देखते हैं, 89 नंबर प्रश्न, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए, इसमें दिया गया है तो विवरण दिया गया है, इसमें आप देख लें तो इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें बता देता हूँ 89 का ऑप्शन नंबर जो होता है आपका, इसमें देखें ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है, ए और सी राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिसकी छतें कटीली झाड़ियों से होती है, ये वाला आपका 1 सही है। और आपका सी, ले के पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, ये आपका सही है, ठीक है, आपका आपका 1 और सी सही है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो है 90 नंबर, उसमें है हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, तो 90 नंबर का ऑप्शन नंबर इसमें जो दिया गया, तो आपसे इसमें हो जाएगा 90 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर इसमें भी हो जाएगा 3, ठीक है, सी डी और ए, ठीक है, सी डी ए हो जाएगा, इसमें सही कथन हो जाएगा सी डी ए, इसमें कौन कौन सा है दोस्तों 90 का सी डी ए, सी डी ए का मतलब आपका हो जाएगा इन्हें पानी के कीचड़ में खेलना बहुत पसंद आता है, इसके शरीर की ठंडक मिलती है। और उसके बाद किसी हाथी को झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथियों की ही सभी फैसले लेती है, ठीक है दोस्तों, और ये आप देख ले, और ए में जो आपको दिया हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये आपका सही है, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, अब आपको यहाँ से आपको दोस्तों इंग्लिश आ जाता है, तो इंग्लिश के लिए मैं अगले से वीडियो बना दूंगा, मैं आप बढ़ता हूँ हिंदी की तरफ, ठीक है दोस्तों, मैं इंग्लिश के लिए अलग से आपको कर दूंगा। तो चलिए अगला अब हम देखते हैं हिंदी का पोर्शन जो अपना है। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपका आ जाता है हिंदी का पोर्शन, हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका हिंदी का, तो हिंदी का आपका जो पेपर है इसमें सीटेट 2019 8 दिसंबर का पेपर है, इसमें मैं आपको हिंदी का पोर्शन का आंसर करा रहा हूँ, ठीक है, सीटेट 2019 8 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें है हिंदी का, हिंदी में जो आपको दिया गया पहले पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ एक अच्छे से आप पढ़ लें, इसमें 91 से 99 तक के उत्तर देने पड़ेंगे, तो हमने पैराग्राफ तो पढ़ लिया है, अब आप भी अगर चाहें तो पढ़ लें, ठीक है, इसे पॉज करके मैं आपको एक बार आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, आप देख लीजिए, ठीक है, फिर अब इसका उत्तर करते हैं। तो 91 का है, 91 दिया गया दोस्तों कि अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, तो 91 का आपको जो दिया गया है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कला प्रवृत्ति पर, ठीक है, कला प्रवृत्ति पर देने की सर्वाधिक ध्यान देने के लिए बोला गया है। अब 92 नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं, तो अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, जो इतिहास हैं ये विषय हैं, तो कैसे विषय हैं दोस्तों, तो 92 में आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, 92 का आपका उत्तर नंबर 1 सही है दोस्तों, तर्क प्रधान है। अब 93 नंबर प्रश्न में देखता हूँ दोस्तों, 93 नंबर प्रश्न आपका इधर हो जाएगा, यह है ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण, यह आपका जो हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, समाज में विभाजन हो रहा है। और 94 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था तार्किकता के प्रधानता और भाव के अभाव में
इस पे दिया है का रास्ता अपना रही है, तो किसका रास्ता अपना रही, तो दोस्तों आपका पतन का, आपका ऑप्शन नंबर एक सही है। अगला प्रश्न 95 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द समूह में भिन्न है, तो कौन सा समूह में भिन्न है दोस्तों, तो 95 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, अभिव्यक्ति इसमें आपका भिन्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है उसे देख लेते हैं, वह है आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है वाक्य में निपात है, तो इसमें क्या निपात है दोस्तों, तो 96 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, भी इसमें आपका निपात है। ठीक है, अब 97 नंबर प्रश्न है उसे देख लेते हैं, 97 नंबर प्रश्न दिया जा रहा है कि विकसित शब्द में प्रयत्न है, तो विकसित में क्या प्रयत्न है दोस्तों, तो इत आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है 97 का। 98 नंबर है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा, तो कौन सा आधुनिक शिक्षा का नतीजा दोस्तों, तो 98 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, दुखद। ठीक है, अगला प्रश्न है वह है आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, तो आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, तो 99 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, विज्ञान को। अगला प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न में दोस्तों फिर से आप देखें यहाँ पर लिखा गया कि इसमें आपको कुछ काव्यांश दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका काव्यांश है, इसमें 100 से 105 तक का उत्तर देना है, तो इसमें हम आपको प्रश्न दिखा देता हूँ, आप इसे देख लें, पढ़ लें पहले काव्यांश, मैं पढ़ा हूँ आप नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लीजिएगा और उत्तर देखिए। इसमें दिया है 100 का एक नंबर कि हिमकिरीट का आशय है, तो हिमकिरीट का क्या आशय है दोस्तों, 100 नंबर का आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, स्वर्णिम मुकुट। ठीक है, आपका हिम क्रिएट का आशय होता है स्वर्ण मुकुट से। अगला प्रश्न है 101 नंबर जो आपका है दोस्तों वह है कहाँ गया, ये है नागपति का विग्रह और समास है, तो नागपति का विग्रह और समास पूछा है, तो नगो यानी कि पर्वतों का पति है जो कर्मधारक होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न 102 प्रश्न का उत्तर होगा 102, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, तो इसमें किसमें कहा गया दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 से 3 सही हो जाएगा, पुरुष और पूंजीभूत ज्वाल, आपका ऑप्शन नंबर 102 का 103 सही है। अगला प्रश्न है 103 नंबर, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो जिसे जीता ना जा सके वह है अजय, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है 104 नंबर निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों, तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा 3, विसर्ग संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न है हिमालय को यतवीर यानी कि हिमालय को यतवीर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह क्या दोस्तों, तो 105 का 4 नंबर समस्या का हल ढूंढ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब 105 के बाद 106 पे आते हैं, 106 में जो दिया गया है सबसे विचित्र देखिए उचित विकल्प चुनना है, तो कौन सा विचित्र विकल्प होगा 106 में, ये आपको चुनना है। तो आपका प्रश्न है 106 का प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है, तो क्या है दोस्तों, 106 का आपका उत्तर नंबर 2 सही है, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 107 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, तो 107 में कौन सा है, तो श्रुतलेख, जो श्रुतलेख है आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 108, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है बल्कि शिक्षण की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार है, तो 108 का जो हो जाएगा 1 पूर्णतः सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 108 का 1 सही है। 109 पर चलते हैं, 109 नंबर है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया, रीमा ने के आधार पर यह जानकारी दी, किसके आधार पर दी है दोस्तों, तो 109 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, पोर्टफोबिया का आधार पर दिया है। ठीक है, पोर्टफोबिया का आधार पर, इसमें आपका उत्तर नंबर 109 का 2 सही है। अगला प्रश्न है कि पहली कक्षा में फिर स्पेस छूटा भी लिखना के अंतर्गत आता है, तो क्या लिखने आता है दोस्तों, तो 110 का आपका 4 हो गया चित्र बनाना। ठीक है, पहली कक्षा में आपका चित्र बनना, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। 111 का देखते हैं, 111 में प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने से सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 111 का 4, पढ़ने का उद्देश्य। ठीक है, 112 का देखते हैं, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, भाषा अर्जन क्षमता जो किसके साथ संबंधित है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 112 का 2, चामस्की। अगला प्रश्न है वह है 5वीं 113 नंबर। ठीक है, 113 नंबर है दोस्तों,
कि इसमें प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसमें बाल साहित्य आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है 114, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करते हैं, यह बात है क्या है दोस्तों, तो 114 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही, स्वाभाविक बात है। अगला प्रश्न है 115, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी क्या है, तो इसमें दो जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो एक नंबर आप भर दीजिएगा, सभ्यता और संस्कृति का भी अभिन्न अंग होता है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है 116 नंबर, कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून भाषण विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में क्या है, तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 116 का एक नंबर सहायक होता है। आप 17 पर चलते हैं, 117 नंबर है, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हीं आँखें दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे, इसमें लिखा गया 117 जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 117 में ऑप्शन नंबर 4 से है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है, ठीक है। अगला प्रश्न 118 नंबर है, वह विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कौन कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है, तो कोई कार्यक्रम शुरू करते समय कौन सबसे महत्वपूर्ण है, तो 118 में आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, ठीक है। अब अगला प्रश्न 118 नंबर हो गया दोस्तों, 118 नंबर सॉरी दोस्तों, हाँ सही है दोस्तों, ये आपका 118 में 2 नंबर सही है। 119 नंबर प्रश्न देखते हैं, वह है कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता लेस होते हैं, तो कौन सी भाव होता है दोस्तों, तो 4 हो जाएगा, समझने और बोलने की क्षमताओं से लेस होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 119 का 120 में है कि किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी फिन स्पेस को सीखने और उसकी फिन स्पेस को सीखने, ठीक है, तो 120 में क्या भर देंगे आप, अवधारणाओं और वस्तु विषय वस्तु, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 120 का। तो दोस्तों फिर हम आपको बता दें कि फिर ये जो इंग्लिश वाला पार्ट है हम इसमें आपको थोड़ा छोड़ते हैं और मैं हिंदी वाले पार्ट में चलता हूँ, ठीक है। तो अगर आप वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आपको अब हिंदी वाला जो पोर्शन है इसमें भाग 2 देखते हैं, ठीक है, भाषा सेकेंड है, भाग 5 है, ठीक है। इसमें आप देखिए, इसमें भी आपको हिंदी का जो पेपर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको सीटेट 8 दिसंबर 2019 का मैंने पेपर सॉल्व किया, 2019 8 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। आप देखिए इसमें जो पैराग्राफ दिया गया है इसको आपको पढ़ के 121 से 128 तक का उत्तर देना है, तो पैराग्राफ आप देख लें एक बार और मैं आपको सब उत्तर बताता हूँ। इसमें दिया गया पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की फिर स्पेस छूटा है का ध्यान रखना चाहिए, तो किसका ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, तो इसमें आपको किसका ध्यान रखना है दोस्तों, तो 121 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्षमताओं और रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। अब 122 में देखते हैं, 122 में है यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में रखते हैं, क्या रखते हैं दोस्तों, तो 122 में आपका जो उत्तर हो जाएगा 3, भिन्न रुचियां रखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 123 नंबर, यह पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तकों का पर्याय, तो आगे इसमें क्या भरना है दोस्तों, 123 में आपको भर देना है नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा 123 का 2 नंबर। 124 नंबर प्रश्न है, बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि या क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें, तो 124 का जो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, सराहनीय है, ठीक है। 125 में आपको देखिए इसमें दिया है बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता, तो बे शब्द का उपयोग किस में नहीं किया जा सकता दोस्तों, तो 125 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, बेफिजूल, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में नहीं किया जा सकता। 126 में है दोस्तों, प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है, तो क्या बन सकता है दोस्तों, तो इसमें प्रतीक्षारत आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 126 का 2 हो जाएगा। 127 को देखिए, 127 है, वर्ष में एक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा, तो कौन सा बनेगा दोस्तों, 127 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, वार्षिक, ठीक है, वर्ष में एक प्रत्यय लगाने पर बन जाएगा वार्षिक। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ कमेंट बॉक्स बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, अगर कोई प्रश्न का उत्तर गलत है तो जरूर बताएं, ठीक है। 128 नंबर, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है, तो उसका जो उत्तर हो जाएगा पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 129 नंबर हम देखते हैं,
तो यहाँ 129 से 135 भी आपको दिया गया गद्यांश, उसको आपको पढ़ के उत्तर देना है। तो गद्यांश आप एक बार पढ़ लें पाउच करके, ठीक है, आप यहाँ गद्यांश पढ़ लें, फिर मैं आपको उसका उत्तर बताता हूँ। तो यहाँ 129 नंबर का उत्तर हम आपको बता देते हैं कि ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है। तो ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, सृजन और उत्पादन। ठीक है, सृजन उत्पादन ऑप्शन नंबर 2 सही है। 130 में दिया गया है कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है, तो 130 में आपका एक नंबर सही है, गांव के नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, आप 131 में देखते हैं, 131 में गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है दोस्तों, तो 131 में ऑप्शन नंबर 4 सही है, स्वयं गाँव में जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, वह दिया गया 132, इसमें है गाँव में प्रयोगशाला को क्यों कहा जाता है, गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा जाता है, तो गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि इसे ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 132 का। 133 में देखिए, फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य है, तो फर्स्ट हैंड से समझ से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो 133 का 3 नंबर सही है, स्वयं के अनुभव से समझ बनाना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 134 नंबर, शिक्षित शब्द में प्रत्यय है, तो शिक्षित में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तो 134 में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, इत, ये आपका प्रत्यय सही है। अगला प्रश्न है, गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है, तो गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है, तो 135 में आपका उत्तर हो जाएगा कर्म, ये आपका शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है वह देखिए 136 नंबर, कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है, तो कौन से सबसे कम प्रभावी दोस्तों, तो 136 में आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर, कहानी को देश शब्द से दोहराना। अगला 137 है कि मुहारे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, तो कौन सा उचित है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ये भाषा प्रयोग में प्रभावी बनाते हैं। अगला प्रश्न 138 नंबर, कि मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर पांचवें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था, मीता ने किसका प्रयोग किया, तो देखिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगले सब्जेक्ट का भी हम आपको वीडियो ला रहे हैं और सेकेंड जूनियर स्तर का भी पेपर का आंसर भी हम आपको अभी थोड़ी देर में प्रोवाइड करा देंगे। 138 नंबर का जो उत्तर हो आपको हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा क्लोज परीक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न 139 नंबर वह है, 139 नंबर साथ यही दिया गया था, ये है बच्चों में और स्पेस फिर स्पेस के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, तो 139 में आपको क्या देना है दोस्तों, तो रेखांकन और चित्रांकन आपको भर देना है, बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। अब 140 में देखते हैं, उसमें दिया गया है मुदिता अक्सर स को स बोलती है, ठीक है, मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस व्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे दोस्तों, तो 140 का आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्षेत्रीय भाषा का अभाव। अगला प्रश्न है 141, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है, तो कौन सा दोस्तों, तो 141 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। ठीक है, अगला 42 में है कि सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है, तो क्या संबंधित है दोस्तों, तो 142 में आपका ऑप्शन नंबर वाइगोत्स्की, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, अब 143 देखिए, इसमें है स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्पेस पर सर्वाधिक बल दिया, तो स्किनर ने किस पर बल दिया ज़्यादा, तो 143 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही, अनुकरण पर ज़्यादा बल दिया है स्किनर ने। अगला प्रश्न है 144, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए क्या है सर्वाधिक सहायक है, तो क्या सहायक है दोस्तों, तो आपका बच्चों और शिक्षक के परस्पर औपचारिक बातचीत, ये आपका सहायक है। अगला प्रश्न है 145 में, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकी को प्रोत्साहित करता है, 145 में आपका जो उत्तर हो जाएगा 4 नंबर सही है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। ठीक है, ये आपका उत्तर नंबर सही है। अब 146 देखिए, 146 है दोस्तों कि इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पहाड़ी इलाके में जुड़े हुए शब्द और सोचकर लिखो, यह है अभ्यास प्रश्न, यह अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है, किसका उदाहरण दोस्तों, तो 146 का आपको उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, शब्द भंडार में विकास। ठीक है, अगर आप वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताएं आपको अगर कोई प्रश्न गलत हो, तो वीडियो अच्छी लगी फिर भी आप कमेंट्स में बताएं। अगला 147 है शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में फिर शिक्षण सामग्री सहायक होती है, तो किसमें दोस्तों, तो 147 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, वह भी धर्मपूर्ण होगा इसमें। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है।
अगला प्रश्न है 148 प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास, इसमें स्पेस फिर छोटा है फिर स्पेस, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 148 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। साध्य साधन, इसमें साध्य हो जाएगा, हाँ साधन हो जाएगा, विकास साध्य और साहित्य साधन है, ठीक है। अगला प्रश्न 149 प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो 104 में हो जाएगा भाषा संबंधी व्याकरण का मुख्यतः कंठस्थ करना, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये नहीं है। अगला प्रश्न है इसमें कक्षा में भाषा की स्पेस के प्रति इतना इतना, तो इसमें जो 150 का हो जाएगा विविधता और संवेदनशील, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, विविधता और संवेदनशील, इसमें विविधता और संवेदनशील। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।